हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में लर्न करेंगे हम स्टार्ट करेंगे टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट से उसके बाद थ्री बाय थ्री का भी एग्जांपल लेंगे एंड सिमिलरली हम जनरलाइज़ कर सकते हैं डिटर्मिनट्स ऑफ हायर ऑर्डर को भी ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं जनरल एग्जाम्पल लेते हैं टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट का ठीक है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं ए ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स ये चारों के चारों एक्स के फंक्शन हैं एंड हमें पूछा जाएगा फाइंड द डिटर फाइंड द डेरेवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है एक होता है बाय डिफ्रेंशिएटिंग रोज दूसरा होता है बाय डिफ्रेंशिएटिंग कॉलम्स किसी भी वे से सॉल्व किया तो आंसर सेम ही आता है हम फर्स्ट बाय डिफरेंशिएटिंग रोज का तरीका देख लेंगे उसके बाद डिफरेंशिएटिंग कॉलम का भी तरीका हम समझ लेंगे ठीक है तो फर्स्ट बाय डिफ्रेंशिएटिंग रोज ठीक है अब हमारा डिटर्मिनेंट क्या दिया है डेल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स ए उसके एलिमेंट से एंड इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है अब जब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तब हमें क्या करना है देखो पहला रो को डिफ्रेंशिएट करना है यानी पहले रो के जो एलिमेंट्स है उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू तो एक्स कीपिंग अदर अनचेंज यहाँ टू क्रॉस टू ही है तो सेकेंड अनचेंज रहेगा प्लस प्लस सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करना है एंड फर्स्ट को एज इट इज रखना है इसका ही मतलब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ डिफरेंशिएट करना है पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को ठीक है सेकेंड के एलिमेंट्स एज इट इज एंड इसका डिटर्मिनेट लेना है प्लस 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 आएगा सेकंड सेकेंड के एलिमेंट को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड फर्स्ट रो के एलिमेंट एज इट इज रखने हैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है दोनों को ऐड करना है हमारा आंसर आ जाएगा एक एग्जांपल लेते हैं तुरंत समझ में आएगा क्या कर रहे हैं करके ठीक है एग्जाम्पल लेता हूं यदि मेरा डिटर्मिनेंट दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर टू एक्स एंड टू एक्स ठीक है यदि इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या करना पड़ेगा फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करो यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सेकेंड रो एज इट इज प्लस प्लस फर्स्ट रो एज इट इज सेकेंड रो का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है अब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट का तो इसका एक्सक्वेयर का डेरिवेटिव आएगा टू एक्स टू का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो जीरो आएगा एक्स एज इट इज टू एक्स एज इट इज प्लस एक्सक्वायर एज इट इज टू एज इट इज एक्स का डेरेटिव आएगा वन टू एक्स का डेरेटिव आएगा टू ठीक है कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट टू क्रॉस टू का डिटर्मिनंट कैलकुलेट करना है तो टू एक्स इंटू टू एक्स आएगा ये माइनस एक्स इंटू ज़ीरो प्लस इसका डिटर्मिनट तो आएगा एक्स स्क्वायर इंटू टू माइनस टू इंटू वन तो ये यदि कैलकुलेट किया तो यह आएगा फोर एक्स स्क्वायेयर माइनस जीरो प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू तो ये बनेगा पूरा फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर इज सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू सो दिस इज डेरेवेटिव ऑफ आवर गिवन डिटरमिनेंट ठीक है सो दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट सिमिलरली हम कॉलम से भी कर सकते हैं कॉलम के केस में क्या करना है देखो सेम लॉजिक पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करना है कीपिंग सेकेंड कॉलम एज इट इज उसका डिटर्मेंट लेना है प्लस फर्स्ट कॉलम एज इट इज रखना है सेकेंड कॉलम को डिफरेंशिएट करना है उसका डिटर्मेंट लेना है दोनों को ऐड करना है फाइनल आंसर मिल जाएगा ठीक है तो कॉलम का भी तरीका सेम ही है अप्रोच सेम ही है आंसर भी सेम ही आएगा हम अब थ्री बाय थ्री का करते हैं अब आप दोनों में से जो आपको आसान लगे रो को डिफ्रेंशिएट करना आसान लगे या कॉलम को डिफ्रेंशिएट करना आसान लगे जो आसान लगता है उसको आपने अप्लाई करना है दोनों में से कोई ही भी एक ही कंसेप्ट को आप यूज़ करो ठीक है तो अभी मैं लिखता हूं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू टू वन वन एक्स जीरो थ्री टू एक्स ठीक है ये मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया अब यदि पूछा है मुझे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस डिटर्मिनेंट यानी जी ऑफ एक्स का यदि मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करना है सेम लॉजिक फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करना है यानी इसको डिफ्रेंशिएट करोगे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाकी सारे के सारे टर्म एज इट इज यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ टू डेरिवेटिव ऑफ टू बाकी इट इज सारे के सारे टर्म एज इट इज प्लस फर्स्ट वाला रो एज इट इज एक्स स्क्वेयर टू टू डेरेवेटिव निकालना है सेकेंड रो के एलिमेंट्स का डेरेवेटिव ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरेवेटिव ऑफ एक्स एंड डेरेवेटिव ऑफ जीरो एंड अगेन थर्ड रो एज इट इज प्लस पहले दो रो एज इट इज पहले दो रो क्या है एक्स स्क्वायर टू टू वन एक्स जीरो एंड थर्ड रो का डेरेवेटिव सो दिस इज डेरेवेटिव ऑफ थ्री डेरेवेटिव ऑफ टू एंड डेरेवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है इसका डिटर्मेंट लेना है ठीक है तो ये तीनों के तीनों डिटर्मिनेंट आ, हमें कैलकुलेट करने हैं और तीनों को ऐड करना है तो ये क्या बनेगा देखो दिस इज़ नथिंग बट डेरेविटी ऑफ एक्सक्वायर इज टू एक्स डेरेविटी ऑफ टू इज जीरो डेरेविटी ऑफ टू इज जीरो सेकेंड रो एज इट इज वन एक्स जीरो थ्री टू एक्स स्क्र प्लस सेकेंड रो के लिए सेकेंड uh, डिटर्मिनेंट के लिए देखो एक्सक्वायर टू टू एज इट इज़ डेरेविटिव ऑफ वन इज जीरो डेरेविटी ऑफ एक्स इज वन डेरेविटिव ऑफ जीरो इज जीरो एंड थ्री टू एक्स स्क्र एज इट इज प्लस प्लस देखो एक्स स्क्र फर्स्ट रो एज इट इज सेकेंड रो एज इट इज वन ये आई थिंक एक्स है ना एक्स वन एक्स एंड जीरो एंड थर्ड रो का डे रेटिव यानी थ्री का डे रेटिव जीरो टू का डे रेटिव जीरो एक्स स्क्र का डे रेटिव टू एक्स अब इस डिटर्मिन को कैल्कुलेट करना है इसको कैलकुलेट करना है एंड इसको कैलकुलेट करना है एंड तीनों की एडिशन करनी है तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा अब यह हम डिफरेंशिएट डिफ्रेंशिएट हमने किया है बस डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 2x एक्स इन ब्रैकेट एक्स इंटू एक्स स्क्वायेयर माइनस टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो आएगा बाकी तो कोई टर्म आएगा नहीं उसमें प्लस एक्स स्क्वायेर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायेर माइनस ज़ीरो आएगा ठीक है माइनस टू इन ब्रैकेट यह आएगा जीरो माइनस जीरो तो ये जीरो आएगा प्लस टू इन ब्रैकेट टू इंटू जीरो 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 माइनस थ्री तो ये दूसरे का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी प्लस तीसरा कैलकुलेट करना है तो आएगा एक्स स्क्वायर टू एक्स इंटू एक्स बनेगा टू एक्स स्क्वाइनस जीरो माइनस टू इन ब्रैकेट टू एक्स इंटू वन इज टू एक्स जीरो में लिखता नहीं प्लस टू इंटू ये आएगा जीरो तो ये हमारी फाइनल वैल्यू बन जाएगी तो ये आएगा एक्स क्यूब इंटू टू एक्स तो दिस इज टू एक्स इंटू एक्स क्यूब आएगा टू एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा एक्स टू द पावर फोर ए जीरो और ये आएगा माइनस सिक्स तो ये आएगा एक्स टू द पावर फोर माइनस सिक्स इसको यदि आपने कैलकुलेट किया तो ये आएगा एक्स स्क्वायेर इन ब्रैकेट टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और ये जीरो मैं लिखता नहीं ठीक है अब ये टू एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स टू द पावर फोर माइनस सिक्स प्लस एक्सक्वेयर इंटू टू एक्स स्क्वायेयर तो ये बनेगा टू एक्स टू द पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा टू एक्स टू द पावर फोर प्लस टू एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स टू द पावर फोर तो ये बनेगा फाइव एक्स टू द पावर फोर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स सो दिस इज रिक्वायर्ड डेरेवेटिव सो दिस इज़ डेरेवेटिव ऑफ आवर डिटर्मिनेंट दैट इज जी ऑफ एक्स सो ये आएगा फाइनल आंसर फाइव एक्स रेस टू द फोर माइनस फोर एक्स क्यू माइनस सिक्स अब यहाँ मैंने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की है क्योंकि आई एम एज्यूमिंग दैट कि आपको वो बेसिक कैलकुलेशन आते हैं इसमें समझने वाली बस कंसेप्ट है कि डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है डिटर्मिनेंट अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ देखो यदि आप किसी भी डिटर्मेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो एक तो है रोज डिफरेंशिएट करके दूसरा तरीका है कॉलम डिफरेंशिएट करके यदि आप रोज़ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन लेना है बाकी रोज एज इट इज़ उसका डिटर्मेंट लेना है प्लस सेकेंड रो डिफरेंशिएट करना है बाकी टू टू रोज एज इट इज़ उसका डिटर्मेंट लेना है प्लस थर्ड रो एज इट इज थर्ड रो को डिफरेंशियट करना है बाकी दो रो एज इट इज़ उसका डिटर्मेंट कैलकुलेट करना है और तीनों को एड करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यदि आप कॉलम यूज़ कर रहे हो तो कॉलम के लिए भी सेम लॉजिक है पहला कॉलम डिफरेंशिएट करो बाकी दो एज इट इज रखो डिटर्मेंट ले लो प्लस सेकेंड कॉलम डिफ्रेंशिएट करो बाकी दो एज इट इज रखो उसका डिटर्मेंट ले लो प्लस तीसरा कॉलम डिफरेंशिएट करो बाकी दो एज इट इज रखो उसका डिटर्मेंट ले लो और तीनों को ऐड कर दो तो फाइनल आंसर हमारा मिल जाएगा सो दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी इजी कंसेप्ट सो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा थैंक यू